from Impexpert, world of import and export. We are a diversified group in which we provide you training, service and trade. अब हम बात करेंगे training कैसे, कि हम आपको training provide करते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आपको import export करना हो. जैसे जो initially start कर रहे हैं अभी, जिनको knowledge ही नहीं है but उनको interest है कि import export मुझे करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. ट्रेनिंग के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन में हम आपकी हेल्प करते हैं. और उसके लिए हम ऐसा नहीं कि सिखा के छोड़ दिया, हम उसके लिए आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी करते हैं कि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए या कोई नया अपडेशन आया है, राइट, कि आज के टाइम में बात करें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कभी भी कुछ भी नया अपडेशन आ जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि कोई भी नई चीज़ आ रही है तो उसके लिए आपको कैसे आगे बढ़ना है. कोई दिक्कत आ रहा है आपको, अभी आपने एक प्रोडक्ट पे शुरू करा, आगे जाके आपको और चार प्रोडक्ट पे स्टार्ट करना है बट उनके बारे में अगेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे मिलेगी, उन सब चीज़ों के लिए हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. आपको जो यहाँ पे सर्विसेज मिलती है वो ट्रेनिंग भी मिलती है, ट्रेड भी होता है और हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. और सर्विसेज में ऐसा है कि हम कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट हो, जितने रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सारा काम होता है. हम कैसे हेल्प करते हैं आपकी, कि आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट किन पैरामीटर्स पे आपको चूज़ करना चाहिए. तो मैं बात करूँ अगर सर्विस की, कि पर्टिकुलर अगर आपको सर्विस है तो सर्विस का क्या बेनिफिट है. सबसे पहले सपोज़ आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आसाम में, आपको स्टार्ट करना है आसाम से, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, आपके पास उसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए. तो आपको गाइडेंस मिलती है हमारे थ्रू, ऑनलाइन सारा प्रोसेस रहता है. आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बायर फाइंड करने के लिए, आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के लिए, डिजिटली आपका सेटअप कैसे होना चाहिए, वो सारी जो चीज़ें होंगी उसमें हम आपको गाइड करते हैं. गाइड किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको, कि सबसे पहले अपने पास प्रोडक्ट होना चाहिए. प्रोडक्ट चूज़ करने के सम पैरामीटर्स होते हैं कुछ, कि किन पैरामीटर्स पर आपको प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं हम जीरा का. जीरा जैसे बात करें कि ऊंझा में सबसे ज़्यादा क्यूमन सीड्स जो है वो उसकी पैदावार होती है, राइट. तो अगर कोई भी ऊंझा का व्यक्ति होगा तो उसके लिए इजीली सप्लाई हो जाएगी उस चीज़ के लिए, तो वो उसको टारगेट कर सकता है कि मैं क्यूमन सीड को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक पैरामीटर हुआ. तो इसी तरह से हम आपको रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं. रिसर्च रिपोर्ट में क्या कि आपको आपका प्रोडक्ट किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहिए और किन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, किन क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बात हुई प्रोडक्ट की. अब अपने को प्रोडक्ट तो मिल गया बट अपने को बायर्स चाहिए, तो बायर्स कैसे हम ला सकते हैं. बायर्स लाने का एक सबसे जो मेन तरीका होता है, आपको ऑर्गेनिक बायर अगर लाना है तो उसका प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा. सेटअप से क्या मतलब है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं, कि पिछले कुछ सालों पहले जब हम अगर डोमेस्टिक मार्केट का एग्जांपल लेके चलें कि हमें कोई भी चीज़ खरीदनी है तो मैन्युफैक्चरर के पास हम खुद जाते हैं, खुद जाके चीज़ देखते हैं, देखने के बाद हमें समझ आती है चीज़ तो हम उसको परचेज़ करते हैं. बट आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप अदर कंट्री में के साथ वर्क कर रहे हो, तो एवरी टाइम आपका पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, चीज़ देखेंगे और फिर खरीद के लेके आ सकते हैं. तो वो प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं कि वो पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी. ऑनलाइन किस तरह से रहेगी, अब ऑनलाइन रखना है तो आपको कहीं ना कहीं पे आपका प्रेजेंस शो करना पड़ेगा. प्रेजेंस कैसे शो कर सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए एक डिजिटली सेटअप, ई कॉमर्स का नाम दे सकते हैं जिसको हम, कि आपका खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए. तो वेबसाइट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जब अगर आपकी वेबसाइट विजिट कर रहा है तो उसको आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप कब से काम कर रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. ये एक एग्जांपल हुआ. फिर आपको हेल्प करती हैं सोशल मीडिया पेजेस. सोशल मीडिया से अब क्या मतलब है कि आज के टाइम पर हम अपना एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, राइट. बट वो चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो फेसबुक सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं. इंडिया में भी मार्केट प्लेस करके जो उसका एक अलग से ऐप आता है, वहाँ पे आप अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. तो उसी तरह से अदर कंट्रीज़ में भी वो चीज़ें बिजनेस के पर्पस से यूज़ हो रही है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे. मगर आपकी कंपनी का पेज होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कोई भी आपको सर्च कर रहा है तो वो सर्चिंग पॉइंट पर आपका पॉइंट आना चाहिए ऐसा. तो इन सोशल मीडिया पेजेस की आप हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, B2B पोर्टल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं. जैसे हमारी कंट्री में B2B पोर्टल होते हैं, सामने वाली कंट्रीज़ में भी B2B पोर्टल्स होते हैं. तो B2B पोर्टल से क्या मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल. वहाँ पे आप अपने आपके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ से ऑर्गेनिक लीड्स मिलती हैं. हम बात करने जा रहे थे बायर्स के बारे में, कि बायर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो बायर्स हमें कहाँ से मिलेंगे. तो बायर्स
मिलने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मिला, हमने फ़ोन कर लिया, बात कर ली और हमें बायर मिल जाएगा. उसके लिए एक प्रोसेस अपने को फॉलो करनी पड़ती है. तो प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ उसके बारे में. कि प्रोसेस में जैसे अगर हम बात करें कि बिफ़ोर ग्लोबलाइजेशन तो किसी को पता भी नहीं था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है अगर हम बात करें. बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन अभी ऐसा है कि बहुत ईजी हो गया है सारा काम करना. आपको इम्पोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट करना है, हमें ग्लोबली कहीं पे भी जाना है, इवन हम ट्रैवलिंग करना होता है वो भी बहुत ईजी हो गया. तो आपको उसी तरह से बायर्स के लिए हमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकते हैं, हम बात कर रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि अगर हम पिछले बिफोर ग्लोबलाइजेशन अगेन की बात करें, तो पहले ऐसा होता था कि शॉप होती थी. शॉप पर हम कोई भी चीज़ परचेज करनी है, हम जाते थे, देखते थे, हमें अच्छी लगती थी, हम लेके आते थे. बट अगर अपने को एक्सपोर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है. सपोज़ अगर मैं टारगेट कर रही हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में एक्सपोर्ट करना है, तो अब मैं मेलबर्न तो जाऊँगी नहीं, जितना खर्चे में मेरे को जाना होगा उतने में तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का पूरा अपना सेटअप कर लूँगी, राइट. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमें अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना पड़ेगा. फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, कि हमारा वेबसाइट होना चाहिए, एक इंटरनेशनल लेवल का SEO जनरेटेड एक वेबसाइट होना चाहिए. तो वेबसाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी को भी सर्च करना है हमारे बारे में. ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको चाहिए क्यूमन सीड, तो सर्च करेगा कि आई वांट टू इंपोर्ट क्यूमन सीड फ्रॉम इंडिया, तो वेबसाइट हमारी भी दिखेगी. तो हमें ऑर्गेनिक बायर्स वहाँ से मिलते हैं, एक तरीका ये हुआ. दूसरा क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पेजेस होते हैं. अब सोशल मीडिया से क्या मतलब, कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर है, YouTube चैनल्स हैं. जैसे मैं आपसे कांटेक्ट में कहाँ से आई हूँ, YouTube से आई हूँ. तो अगेन आप भी लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं. कैसे आ सकते हैं, इसी तरह से आ सकते हैं कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम सोच भी नहीं सकते कि बहुत सिंपल चीज़ है. नॉर्मली हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टा, फेसबुक, राइट. लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इसके थ्रू बिजनेस भी कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के अलावा, क्योंकि वो ग्लोबली लोग जुड़े हुए हैं. आपके फेसबुक अकाउंट पर भी होगा ऐसा कि बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो इंडियन ग्रुप्स भी नहीं होंगे, भारत वाली कंट्रीज़ के होंगे. बट हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम इस पर बिज़नेस भी कर सकते हैं. लाइक मार्केट प्लेस है फेसबुक पे, जहाँ पे पूरा बिज़नेस ही होता है, लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने अकाउंट्स बना रखे हैं. आपको एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो लोग एनालिसिस करने का भी एक टूल प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इम्पोर्ट करना चाहिए. तो ये सारे बेनिफिट्स अपने को मिलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बी टू बी पोर्टल्स होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस. लाइक एग्जाम्पल दो, अलीबाबा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये इंडिया के पोर्टल्स हैं. तो सेम हर कंट्री में अपने B2B पोर्टल्स होते हैं. एग्जाम्पल चाइना का दें तो वीचैट है वहाँ पे, राइट. तो इसी तरह से हम टारगेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से बायर्स मिलेंगे, कि हमें जिन कंट्रीज़ में टैप करना है उसके B2B पोर्टल्स पे हमें टैप करना पड़ेगा, उस पे हमें हमारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. तो हमें वहाँ से कैसा होता है कि ऑर्गेनिक लीड्स मिलना स्टार्ट होती है. जब लीड्स मिलती हैं तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मेल करना होता है, कि आपके कंपनी का प्रोफाइल आप भेजेंगे उनको, कि हमारा क्या प्रोफाइल है, हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं. वर्क करने के बाद आपको उनको बताना होगा कि आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कहाँ पे डील कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं, राइट. वो लोगों को आप अगर ये सोचें कि मेरे को आज ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी तरह काफ़ी सारे लोग उनसे कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश कर रहे होते हैं. बट हमें उनको रेगुलर रिमाइंडर्स के साथ उनको हमें रिमाइंड कराना पड़ेगा कि आपको हमने मेल किया था, बट आपको उसका रिवर्ट ज़रूर मिलेगा. तो रिवर्ट मिलता है तो फिर हमारा आगे का कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. तो दिस इज़ द वे कि आप अपने बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. ये मैंने एक तरीका बताया आपको. आप इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट वेज से उनको फाइंड कर सकते हैं. तो हम जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, इम्पेक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करता है, वो इन्हीं चीज़ों में हेल्प करता है कि आप अपना बिज़नेस कैसे रेडी कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए और इम्पोर्ट के लिए. उसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होती है, राइट, तो वो सारी चीज़ें हम आपको फुलफ़िल करके देते हैं. अब मैं बात करूँ कि उससे पहले हमें बेसिक रजिस्ट्रेशंस चाहिए होते हैं. रजिस्ट्रेशंस में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंपल से सिंपल चीज़ के एक IEC इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आपको आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा. लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं. पोर्ट्स पे रजिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं. कस्टम में कैसे रजिस्ट्रेशंस कराएंगे, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं. आपको बैंक से किस तरह से ID कोड जनरेट कराना होता है, आपको आपका जो बाकी का प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करना होता है, RCMC अगर हमें लेना है तो कैसे ले सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों में इम्पेक्सपर्ट्स आपकी पूरी हेल्प कर रहा है. अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आना पड़ेगा ऑफिस में बैठ के, हम सारा काम करेंगे. हम ये सारा काम फ़ोन के थ्रू, मेल के थ्रू और ऑनलाइन भी कर सकते हैं. अब ऑनलाइन ही क्यों, किसी के दिमाग में सवाल आएगा ऐसा कि ऑनलाइन तो कर सकते हैं बट मैंने आपको देखा नहीं है, ऑनलाइन ही क्यों.
बट ये जो प्रोसेस है हम फर्स्ट स्टेप आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जब एक्सपोर्ट भी करने जाते हैं तो हमें ऑनलाइन ही करना है, राइट? जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया डील करनी है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, दुबई डील करनी है तो वहाँ नहीं जाएंगे, उतने खर्चे में तो हम पूरा अपना काम कर लेंगे, राइट? तो वहाँ भी हम ऑनलाइन ही जाने वाले हैं, हाँ, बट जेन्युइनिटी चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं अगेन, वो क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे आगे कि वो कैसे आपको हेल्प करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो अगेन आप ऑनलाइन जो फर्स्ट स्टेप है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू वो आज से स्टार्ट हो जाता है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियोस बहुत सारे मिल रहे होंगे जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती ही होगी, और आगे आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।